हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4 का विविध प्रश्नावली। एक्सरसाइज 4 का विविध विविध प्रश्नावली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और सारणिक डेल्टा बराबर यहां पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो हमें सिद्ध करना है कि या तो a प्लस बी प्लस जीरो है या a बराबर बी बराबर सी, ठीक है। तो हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान दिया जाए। अगर इसको सॉल्व किया जाए, डेल्टा बराबर यहां पे शून्य दिया हुआ है, चलते हैं हम लोग लिखेंगे यहां पे C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 पर क्रिया करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या लिखना होगा, C1 पर क्रिया किया जाएगा, C1 में C2 प्लस C3 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा बराबर हो जाएगा, डी है तो बी ए ए और सी, ऐसे हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, और ये भी हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, और ये भी हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, और ये C प्लस A, A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B, C प्लस A और C, B प्लस C, यहाँ पे है B प्लस C, C प्लस A, ठीक है। यहां पर हम दो कॉमन निकालेंगे, 2A 2B 2C में से दो कॉमन निकलेगा, उसको बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा यहां पर A प्लस B प्लस C, और यहां पर ये बचेगा A प्लस B प्लस C, और यहां पर ये बचेगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। और ये हो जाएगा C प्लस A, A प्लस B, B प्लस C, और ये हो जाएगा a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्रिया करेंगे, c2 पर क्रिया करेंगे, c2 में से c1 घटा लेंगे, ठीक है, c प्लस a में से c प्लस a प्लस b घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, C1 तो जेम प्रातिम रहेगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया माइनस B, माइनस ये हो जाएगा ए बी, तो C बच गया माइनस C, और ये बी सी है तो हो गया माइनस A। फिर एक और यहां पे क्रिया कर सकते थे, C3 पर क्रिया करते और C3 में से C1 घटा लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस b घट जाएगा तो हो जाएगा c माइनस c, यहां पे माइनस a, ठीक है, और माइनस b। अब यहां पे क्या करेंगे कि c1 में से a प्लस b प्लस c को मिलेंगे, और c2 में से माइनस 1 और c3 में से भी माइनस 1 को मिलेंगे, तो हो जाएगा a प्लस 2, तो ये है a प्लस बी प्लस सी को निकला, फिर माइनस वन, तो बचा क्या, अब तो यहां बच गया 1 1 1, बी सी ए, सी ए बी। अब यहां पे प्रसरण करने पर सी वन के अनुदिश प्रसरण करने पर C1 के अनुदिश हम लोग प्रसरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें हम लोग, C1 के अनुदिश प्रसरण किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हो गया इज इक्वल टू 2AB प्लस A प्लस B प्लस C, और ये 1 तो हो जाएगा CB या BC माइनस A स्क्वायर, तो हो जाएगा, ठीक है, BC माइनस A स्क्वायर, फिर
प्लस माइनस वन होगा, माइनस वन इंटू ये हो जाएगा माइनस माइनस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां बी स्क्वायर और माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्लस वन इंटू, प्लस वन इंटू हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे मॉड्यूलर क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहां पे लिखते हैं, चूंकि डेल्टा बराबर जीरो है यहां पे, तो इसलिए टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। या यहां पर ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि a बराबर नहीं है 0 तो समीकरण x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए बराबर 0 को हल करें। यानी कहने का मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहां x का मान क्या हुआ हमें यह ध्यान देना है, तो इसको हम डेल्टा मानते हैं, ठीक है। x प्लस ए एक्स एक्स ठीक है, C1 पर क्रिया करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो हो जाएगा 3x प्लस A, 3x प्लस A, 3x प्लस A, ठीक है। और ये चीज कहते हैं x, x प्लस A, x, x, x x प्लस ए। अब 3x प्लस ए कॉमन लेंगे हम लोग, 3x प्लस ए कॉमन लेंगे, तो 3x प्लस ए कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा यहां पे 1 1 1 x x प्लस ए x। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, R1 पर क्रिया करेंगे हम लोग, और R1 में से R2 घटा लिया जाएगा। R1 पर क्रिया करें, R1 से R2 घटा लें हम लोग, तो हो जाएगा 3x प्लस ए, और यहां पे हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, x में से x प्लस ए गया, तो यहां पे हो जाएगा माइनस ए, और ये हो जाएगा 0, 1 x प्लस ए एक्स, वन एक्स एक्स प्लस ए। अब यहां पे R1 के अनुदिश प्रसरण करनी पड़ता है, ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश हम प्रसरण करेंगे, यहां पे देखा जाए क्या हो जाएगा 3x प्लस ए, और ये तो शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, ये ए वन टू के लिए, तो हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस ए, और ये हो गया वन वन एक्स एक्स प्लस ए, ठीक है, बराबर 3x प्लस ए माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स,
क्या हो गया, ये कट गया, तो हो गया 3x प्लस ए इंटू ए। अब लिखेंगे क्योंकि यहां डेल्टा जो माने हैं इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो हो जाएगा या इसलिए निकाल सकते हैं, इसलिए 3x प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, या 3x प्लस ए इक्वल टू जीरो, या x इज इक्वल टू माइनस ए बाई थ्री। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।